Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So before we get started with this video, let me tell you that this video is going to be in Hindi. Surprise, motherfucker. If you ask me why I want to do this today, like all of my videos are in English completely, like except for the bloopers of course. So I thought filming a video in Hindi would be a breath of fresh air. तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. Also disclaimer, I'm not saying that the video is going to be completely in 100% Hindi, like शुद्ध हिंदी, but I'm gonna try to speak in Hindi for the most part. और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी इतनी भी बुरी नहीं है, so this is not to make it just funny. I'm going to genuinely try and speak in Hindi. तो बिना और देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो जो मैं पहली चीज दिखाने वाली हूँ वो है ये वॉच. ये कैसियो ब्रांड से है और ये वॉच ऐसा दिखता है. क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसके लिए मैंने कितना पे किया है? यू विल प्रोबेबली बी शॉक्ड इफ आई टेल यू हाउ मच आई पेड. मैंने इसके लिए पे किया है ओनली 1295 रुपीज. दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक ऑन माय हैंड एंड आई थिंक आई एम गोना वेयर इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो नाउ. मुझे एक्चुअली इस डिजाइन की वॉचेस काफी पसंद है एंड मैं बहुत पहले से ढूंढ रही थी, बट अभी मुझे एक सिल्वर वॉच चाहिए था क्योंकि मेरे पास गोल्ड वॉच ऑलरेडी है. और मैं अमेजोन में ब्राउज कर रही थी तो मुझे ये दिखा और जब मैंने इसका प्राइस देखा तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया एंड आई डेफिनेटली डू नॉट रिग्रेट इट. तो अगली जो चीज है वो है एक पाउडर ब्रश. ये ऐसे आता है प्रॉपरली पैकेज्ड एंड ये काफी फ्लफी है. इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इसका प्राइस है 229 रुपीज. आई थिंक इट्स अ बार्गेन. और मैंने पहले भी ऐसे ब्रशेस यूज किए हुए हैं तो आई कैन गारंटी कि इसके ब्रिसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक लिटरली नन ऑफ द ब्रिसल्स एवर कम ऑफ आई वुड लाइक टू से. अगली जो चीज है वो है ये एक कीबोर्ड कवर है. आप इसको आपके कीबोर्ड पे ऐसे लगा सकते हैं सो दैट डस्ट डज नॉट गो थ्रू. ऑल्सो वो दिखने में क्यूट हो जाता है तो दैट हैड बी सोल्ड एनी वे. इसके लिए मैंने पे किया है 379 रुपीज, विच आई थिंक इज अ फाइन प्राइस. तो नेक्स्ट जो आइटम है वो मुझे लाइक दो हफ्ते पहले मिला था एंड मेरे पास जेन्युइनली इयररिंग्स नहीं थे पहनने के लिए, बिकॉज मेरे इयर्स में लाइक ईच ईयर में 4 पियर्सिंग्स हैं तो मेरे पास जेन्युइनली इयररिंग्स नहीं थे. तो मैंने पहन लिए थे कुछ इनमें से एंड ऑल्सो मैं इनका क्वालिटी ट्राई करना चाहती थी इससे पहले कि मैं इसको वीडियो में दिखाऊं. तो ये वाले मैंने अब तक यूज नहीं किए हैं, बाकी मैंने यूज किए हैं एंड लेट मी टेल यू द क्वालिटी इज नॉट ग्रेट. बट इसका प्राइस भी काफी कम था. इट वॉज ओनली 199 फॉर द होल सेट. मैंने इसको लगभग एक दो हफ्ते पहने हैं एंड दिस टार्निश्ड एंड इट हैज टर्न ब्राउन एंड इट डज नॉट लुक गुड एट ऑल. लाइक द फ्रंट इज फाइन ऑब्वियसली, बट फ्रॉम द साइड्स इट लुक्स रियली डार्क एंड इट डज नॉट लुक नाइस. एंड ऑल्सो इसमें जो छोटे हुप्स हैं ये काफी क्यूट है ऐसे पहनने के लिए, बट दीज ऑल्सो फेड. एक्चुअली इनको आप पहन के सो नहीं सकते. तो मैंने क्या किया था, जिस दिन मैंने ये पहना था मैं सो गई थी पहन के, तो इट लुक्स वेरी डल एंड डार्क. एंड एक्चुअली मैंने ये भी पहने हुए हैं बट दिस डज नॉट लुक डल एंड डार्क बिकॉज एज सून एज आई रीच्ड होम मैंने इसको खोल दिया था. एंड इट्स द सेम विद दीज हुप्स एज वेल. इनको भी मैंने पहना है बट दे हैव नॉट फेडेड क्योंकि मैंने इनको आते ही खोल दिया था. आई थिंक उतना मेंटेनेंस इज परफेक्टली फाइन बिकॉज यू ओनली पेइंग 199 रुपीज. नेक्स्ट मैंने जो लिया था वो ये सेट ऑफ रिंग्स है. इसके लिए मैंने पे किया है 225 रुपीज. दिखने में वो काफी सुंदर थे और मैं वीडियो इंसर्ट कर दूंगी एंड मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने इनको रिटर्न कर दिया था. मैंने इनको बस एक दिन पहना था और बाय द टाइम आई रीच्ड होम दे हैड ऑल टार्निश्ड एंड मेरा पूरा हाथ ग्रीन हो चुका था. तो मैंने सोचा कि मैं इनको रिटर्न कर देती हूँ क्योंकि इवन दो आप बहुत ज्यादा नहीं पे कर रहे हैं बट एक ही दिन में टार्निश होना आई डोंट थिंक दैट्स कॉस्ट एफिशिएंट एट ऑल. सो आई डिसाइडेड टू रिटर्न इट एंड रिटर्न आराम से हो गया एंड मुझे रिफंड भी मिल गया. नेक्स्ट आइटम जो है वो काफी रैंडम है बट आई गॉट दिस पेन. इट्स अ सिंपल पार्कर पेन. आई फाइंड दीज पेन रियली प्रिटी. लेट मी जस्ट ओपन इट. इसका प्राइस था 228 रुपीज एंड ये ऐसा दिखता है. आई फाइंड दीज पेन रियली रियली क्यूट. लाइक आई डेफिनेटली थिंक दे ओवर प्राइस बट दे आर रियली प्रिटी. सो मैंने ये लिया है. नेक्स्ट जो मैंने आइटम लिया है वो है ये. दिस इज अनदर इयररिंग सेट.
मुझे ऐसे वाले चंकी हूप्स काफी पसंद है आजकल, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ले लेती हूँ। पहले का इयर रिंग सेट जिस कंपनी से था वो इसी कंपनी से है और इसका प्राइस भी 229 रुपीज ही है। मैंने इसमें से ये बीच वाला पहना है एंड मैंने वैसे ही घर आते ही खोल के रख दिया था इनको, तो इसमें से कुछ कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको चिड़िया की आवाज़ें सुनाई दे रही है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए। तो मैंने एक्चुअली रिसेंटली एक स्प्रे ऑर्डर किया है विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट योर लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड स्टफ फ्रॉम टार्निशिंग, तो वंस दैट रीचेस आई डेफिनेटली पोस्ट एन अपडेट समवेयर। जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये एक्चुअली एक मसाजिंग टूल है फॉर योर फेस, और शायद आप इसको नेक वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं ग्वाशा। ये ऐसे अच्छे से पैक्ड आता है एंड मैं सोच रही थी कि कहीं ये प्लास्टिक का ना आए, बट दिस इज एक्चुअली स्टोन। ऑब्वियसली सुनने से नहीं पता चलेगा आपको, बट ये एक्चुअली स्टोन का है, जेड स्टोन का, एंड काफी ठंडा भी है। दैट इज सपोज टू बी वन ऑफ इट्स पर्पजेस। इसको एक्चुअली फ्रिज में रखना होता है एंड उसके बाद यू कैन मसाज योर फेस इन द मॉर्निंग ऑयल लगा के थोड़ा सा। मैं बहुत दिनों से देख रही थी इसको एंड मुझे लेना था बट मैं डाउट कर रही थी, बट मैंने कुछ दिनों पहले फिर से जब चेक किया तब देखा कि लोगों ने रिव्यूज पोस्ट किए हैं एंड ये जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट है, तब मैंने इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर लिया। और ये प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, ये बस 249 का है, तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये काफी अच्छे से पैक्ड आता है, ऐसे हार्ड कवरिंग के अंदर था ये। दिस इज एक्चुअली कॉन्टैक्ट पेपर, अगर आप इसमें देख सकते हैं तो इसमें एक फाइन मार्बल प्रिंट किया हुआ है एंड ये एक्चुअली आपके फर्नीचर के लिए है। अगर आपका कोई टेबल टॉप खराब हो चुका है या आपको एक्चुअली ये मार्बल प्रिंट वाला वाइब पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। एंड ये दूसरी साइड से एक्चुअली एडहेसिव है, तो आपको सेपरेटली ग्लू लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस पील करना है एंड आपको आपके सर्फेस पे इसको लगा लेना है। एंड मैंने ये लिया क्योंकि मेरा टेबल टॉप जो है वो स्पॉइल हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी नेल्स खुद करती हूँ एंड इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो काफी स्टिकी होता है, तो उससे मेरे व्हाइट टेबल टॉप को बिल्कुल खराब कर दिया है, तो इसीलिए मैंने ये लिया। और इसका प्राइस है 299 रुपीज। आई एम नॉट श्योर मैंने कौन से साइज का लिया है, अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं इसको स्क्रीन को डिस्प्ले कर दूंगी। नेक्स्ट आइटम एक्चुअली ये काफी पुराना है बट मुझे ये मेंशन करना था क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल और एफिशिएंट है। तो जो आइटम है वो है ये, तो ये है एडहेसिव हुक्स जो कुछ ऐसे दिखते हैं, और इसके साथ ये एडहेसिव टेप भी आता है। तो आई एम नॉट श्योर कि आप देख सकते हैं कि नहीं, बट अगर आप देख सकते हैं तो ये जो फ्रेम्स है वो एक्चुअली इसी से लगाए हुए हैं, और ये फ्रेम्स मैंने लगभग 6-7 महीने पहले लगाए थे एंड ये बिल्कुल भी मूव नहीं हुए हैं, जैसे थे बिल्कुल वैसे इंटैक्ट हैं। आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, लेकिन ये काफी चीप थे और मैं इनको लिंक कर दूंगी नीचे अगर मुझे लिंक मिलता है तो। दिस इज वेरी एफिशिएंट, अगर आपको आपके वॉल्स पे कुछ हल्की फुल्की चीजें लटकानी है और आपको होल्स नहीं करने हैं तो ये काफी यूजफुल होता है, तो मैंने सोचा बस मेंशन कर दूं। अब आते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे, तो द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस। ये एक फर का रग है जो काफी सॉफ्ट है एंड मुझे ये बहुत बहुत पहले से चाहिए था, बट यूजुअली दीज आर वेरी वेरी कॉस्टली, बट ये मुझे मिला 699 में एंड ये काफी बड़ा है, इट्स नॉट वेरी स्मॉल। अगर आपको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो डेफिनेटली निकलेगा बिकॉज इट्स चीप। इसको एक्चुअली आप प्रोडक्ट पिक्चर्स क्लिक करने के लिए या फिर बैकग्राउंड के जैसे यूज कर सकते हैं। मुझे ये काफी पसंद है और बहुत पहले से पसंद है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ले लेती हूँ एंड आई डोंट रिग्रेट इट। तो दोज वर ऑल द आइटम्स दैट आई बॉट इन दिस हॉल, आई होप आपको पसंद आया हो। नाउ आई एम गोना ट्राई टू डू द आउट्रो इन हिंदी एज वेल। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डोंट Okay, so I'm not really satisfied, so I'm gonna do my outro once again in English. So that was it for today's video. Thank you so much for watching, and if you like the video, please don't forget to leave a like and also do subscribe to my channel if you'd like to see me again. Peace out.